गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। देख रहे हो व्यू मस्त है। तो भाई लोग अभी घर से निकला, अब आज मौसम ऐसा खराब है, बारिश हो रही है सुबह से ही। तो अभी गुड़गांव जाएंगे, रास्ते में तो ट्रैफिक है क्योंकि बारिश जब होती है तो ट्रैफिक हो ही जाता है। अक्सर है ऐसा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा, मतलब जब मानसून शुरू हो जाता है तो ऑलमोस्ट हर दिन सुबह बारिश होगी। तो अभी सुबह सुबह बारिश हो रही थी, उसी में निकला मैं। और देखो अभी जाएंगे गुड़गांव में, आज मुझे कहीं नहीं जाना है। एक तो ये रिलैक्स है, थोड़ा सा लगता है कि आज कहीं नहीं जाना है तो अच्छा ही है फिलहाल तो, लेकिन देखते हैं क्या बनता है रास्ते में। यार बारिश ज़्यादा ना हो बस, नहीं तो जाम लग जाता है। और जाम देखो ना, कोई बाइक वाला जा रहा है, पता नहीं कैसे एग्जॉस्ट लगाया भाई साहब, एकदम इतना साउंड कैसे अलाउ करते हैं, कहीं ना कहीं चलान कट जाएगा। तो मौसम ठीक रहे तो कोई बात नहीं, मौसम ख़राब ना हो बस। और एक बात देखो, अभी तो मानसून शुरू होना जरूरी भी था, इतनी गर्मी हो गई थी, 50 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था, तब तो और हालत ख़राब हो गई थी, लू सब, मतलब अच्छा नहीं है वो। अब बारिश होगी वो भी अच्छा नहीं है। एक्सेस तो कुछ भी ठीक नहीं, एक्सेस नहीं होना चाहिए, मतलब हर दिन अगर आधे घंटे बारिश हो जाए ऐसे थोड़ा सा बूंदाबांदी जैसा कि कूल रहे बस। देख लो भाई लो, गुड़गांव में थोड़ी सी बारिश हुई और क्या हाल हो रखा है, देख रहे हो? देखो ये गोल्फ कोर्स रोड है जो कि सबसे फ्री सबसे मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, और इसका हाल ये हो रखा है बिकॉज वो शेड है मेट्रो का, उसमें लोग बाइक लगा के खड़े हो जाते हैं और कोई रीजन नहीं है इसका। अगर बाइकर्स खड़े रहेंगे तो जाम तो लगेगा ही, शेड चाहिए सबको रेन से प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या करें। चलो इससे निकलते हैं अभी। भाई लोग निकला गुड़गांव से, अब जाएंगे घर, लेकिन हो गया थोड़ा लेट, लेकिन रास्ते में जाम नहीं मिला। पर एक बात तो, वीकेंड होने के बावजूद भी बॉर्डर पे जाम नहीं मिला मुझे, और फ्री आ गया। आगे ना मिल जाए, आगे भी मिल सकता है। तो अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई, तो कल मुंबई में प्रोग्राम था भाई साहब, इतना क्राउड, बारिश हो रही है फिर भी लोग खड़े हैं, मतलब बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया, मतलब अच्छा अरेंजमेंट था पूरा। देखो दिल्ली आए हैं सारे प्लेयर्स, तो ठीक है, मतलब वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो एक बनता है, चाहे कहीं ना कहीं प्रोग्राम तो होगा ही, तो हो गया। अब ये इंडिया, पहले एक ही वर्ल्ड कप था इंडिया के पास, अब देखो 4 वर्ल्ड कप हो गए। एक कपिल देव ने दिलाए, 2 धोनी ने दिलाए, और एक अब रोहित शर्मा ने भी दिला दिया, तो 4 हो गए। तो सोचो इंडियन क्रिकेट कितना स्ट्रांग हो गया, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब एक मतलब धीरे 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 ये इम्प्रूव हुआ है। बीच में एक 10 साल ऐसा था कि टीम तो मजबूत थी पर जीत नहीं पाती थी, कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं, ऐसा फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाती थी, बहुत बार तो ऐसा हुआ। लेकिन जब से सौरभ गांगुली एक कैप्टन बने, उसके बाद से इंडिया सेमीफाइनल, कभी सेमीफाइनल में आउट हुई, कभी फाइनल में आउट हुई, या सेमीफाइनल में ही बाहर हुई थी, नहीं एक और फाइनल में भी। और उसका धोनी ने 2 वर्ल्ड कप जिता दिए, उसके बाद रोहित शर्मा ने भी जिता दिए, अब कोई और प्लेयर अच्छा खेलेगा तो वो भी जिता देगा, समय की बात है। मतलब टीम बहुत स्ट्रांग है अब इंडिया में, जो IPL चलता है इसके चलते बहुत सारे अच्छे प्लेयर अभी आ गए, तो क्रिकेट का थोड़ा सा दायरा बढ़ गया है कि भाई हाँ खेलने वालों की, मतलब
मतलब कमी नहीं है इंडिया में, अच्छे प्लेयर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे आपको, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी आईपीएल वाली टीम में अच्छे प्लेयर हैं जो कि अच्छा खेलते हैं, तो ठीक है मस्त उनका भी हो गया कि भाई वर्ल्ड कप आ गया इंडिया, तो कोई ना कोई देखो आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप भी आ गया तो अच्छी बात है। और जो टीम बाहर हो गई कहीं ना कहीं किसी का कुछ कमी रह जाता है जिसके चलते बाहर हो गई, तो क्या कर सकते हैं। चलो गाइस तो ये तो चलते रहता है फिलहाल, अभी एक बार देखो रास्ते में अभी क्या हो गया कि जितनी जल्दी पहुंचना है जाम ना मिले बस से। एक देखो कैसा हो रखा है अभी दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो अननेसेसरी हॉर्न मार रहा है कोई, हॉन्किंग करते रहते पीछे से। देखो सिग्नल ग्रीन हो रखा है, बस निकल जाऊँ तो अच्छी बात है, फिर घिटोरनी से बाहर आगे कहीं जाम मिला तो देख लेंगे। किस्मत की बात है आज जाम नहीं मिल रहा अभी तक, तो आगे भी ना मिले बस यही उम्मीद है, जल्दी पहुंच जाएंगे घर, नहीं तो भाई देखिए पता नहीं ये गाड़ी वाला क्यों हॉन्किंग कर रहा है, नंबर प्लेट भी नहीं देख रहे हो, मेरा नंबर प्लेट का गाड़ी चला रहा है आदमी, और हॉन्किंग तो भाई चरम पे है इसका, उम्मीद भी नई गाड़ी होगी, लेकिन हमें नई गाड़ी पे भी टेम्प्रोरी क्या हो गया ठोक दे क्या, गाड़ी आपस में ठोक देते हैं ना लोग आजकल, कल यहीं पे बस बंद हो गई थी सेम लोकेशन पे बस बंद हुई और जाम लग गया पूरा। चलो कोई नहीं अब यहाँ से भी निकल लिए तो पहुँच ही जाएंगे थोड़ी देर में, तो भाई लोग बने रहिए ब्लॉग में, एक बार घर पहुँचते हैं और फिर जरूरी है घर पहुँचना अभी जल्दी हो भी, टाइम हो गया थोड़ा लेट हो गया था मैं, लेकिन ठीक है जितनी जल्दी हो पहुँच जाओ वही बेहतर है। गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।